राधे राधे एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में एक और पोर्टफोलियो को चेकआउट करने वाले, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा के दिन में इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, तो सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। देन इन्होंने बताया कि इनको सजेशन चाहिए कि इनके पोर्टफोलियो को मेरे अकॉर्डिंग कैसा करना चाहिए, कैसा है, एंड अगर इनके जगह मैं होता तो ये पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करता। बहुत अच्छी बात है, एंड उसी से हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर ये पोर्टफोलियो मेरा होता तो मैं कैसा चेंजेस करता। एंड एक्चुअली में हर वीडियो में हम यही कोशिश करते, एंड मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है वही बताने की कोशिश करता हूँ, मेरा जो फ्रेमवर्क है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। बट मार्केट में और भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क है जो चलते हैं, जो रिटर्न बना के देते हमारे अकॉर्डिंग, जहाँ पे रिस्क कम है रिवार्ड ज़्यादा है, जो कार्प इन्वेस्टिंग है उसी के ऊपर बेस करके हम पोर्टफोलियोज़ को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो पोर्टफोलियो का नंबर ऑफ स्टॉक है इनको कम करना है, 25 तक उसको लाना है। इसके अलावा कहाँ से एग्जिट करें वो तो पहला क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और इनका सेकंड पोर्टफोलियो है जहाँ पे डीमार्ट, पिडिलाइट, टाटा एलेक्सी, पॉलीकैप, सोना, बिल डब्ल्यू, इज माई ट्रिप, होम फर्स्ट फाइनेंस, डी टेक्नोलॉजी, ये कौन सा कंपनी समझ नहीं आया, हैवेल्स, एपिल, अपोलो, पी आई इंडस्ट्रीज़, ये सारी कंपनी है। 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है एंड अभी यहाँ पे 3.5 लाख का प्रॉफिट इनको हो रहा है। ठीक है, चलिए जो पोर्टफोलियो इन्होंने भेजा है उसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक काफ़ी है, 47 स्टॉक करेंटली ये होल्ड करें अपने पोर्टफोलियो में, तो हम कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा जल्दी बात करें जिससे ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजा, जिनके पोर्टफोलियो में 50, 60, 70 स्टॉक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके ऊपर वीडियो ही ना बनाए, क्योंकि इतने सारे स्टॉक डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड आप सब लोग बोर हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली बात है कि एक रिटेल इंडिविजुअल के लिए इतने सारे स्टॉक को ट्रैक कर पाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड किसी को तो हो सकता है कि अपनी कंपनी के बिजनेस के बारे में ही पता ना हो। तो अच्छा ये है कि आप 20, 18, 15, 25 इतना स्टॉक रखने की कोशिश करें अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, एंड क्योंकि इन्होंने बहुत बार मेल किया तो इनका पोर्टफोलियो हम आज इस वीडियो में चेकआउट करें। तो इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 16,63,000 का, करेंटली पोर्टफोलियो का साइज 22,48,000 का बन चुका है, 5.8 लाख का प्रॉफिट, 35% का इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है अपने पोर्टफोलियो में। पहला स्टॉक है आवास फर्निशर, 6,600 का इन्वेस्टमेंट, मैं होता तो एग्जिट कर लेता। रीज़न ये नहीं कि कंपनी ख़राब है, कंपनी बहुत अच्छा है, सेक्टर चलेगा, बट रीज़न ये है कि पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा एलोकेशन है तो खामोखा नंबर ऑफ स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप नहीं एग्जिट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहला काम अगर आपका ये है कि नंबर ऑफ स्टॉक को थोड़ा रिड्यूस करना है तो ये छोटे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक को निकाला जा सकता है। देने FL 45,000 इन्वेस्टमेंट, 58% का शानदार प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा और होल्ड करके ये प्रॉफिट को बढ़ाता एंड देन एग्जिट करने के बारे में सोचता। यानी आज अगर, आज नहीं कुछ टाइम बाद, अगर मान लो कि PE रेशियो या वैल्यूएशन कंपनी का 80 के आसपास चला जाए तो मैं एग्जिट करके दूसरे कंपनी में पैसा डाल देता। देने एंजल वन 12,000 इन्वेस्टमेंट, एंड अभी तो स्टॉक काफ़ी डाउन चल रहा है तो हम इस टाइम पर होल्ड करने की कोशिश करते या बाय ऑन डिप करने की कोशिश करते। एंड एक और चीज़ इन्होंने जो नहीं किया था, अपना जो आईडी है जीरोधा का वो हाइड नहीं किया था, तो मैंने खुद एडिट किया इनका जो यहाँ पे आईडी है उसको हाइड किया, देन हम वीडियो बना रहे। नेक्स्ट कंपनी एशियन पेंट, 81,000 इन्वेस्टमेंट, एशियन पेंट टॉप क्लास कंपनी, टॉप क्लास मैनेजमेंट, बट कंपनी का ग्रोथ मेरे लिए काफ़ी स्लो है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट अगर बुलिश हो, सेक्टर में अगर कुछ अच्छा रिपोर्ट आ जाए तो स्टॉक भाग जाए, पर फिर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से मेरे लिए दूसरे ऑप्शन, दूसरे जो कंपनीज है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है ग्रोथ टर्म्स में। तो ग्रोथ काफ़ी स्लो होगा, ऐसा नहीं कि एशियन पेंट आपको 20-25% का सीएजीआर बना करके दे देगा ईजिली, राइट? तो वो यहाँ पे अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एशियन पेंट के लिए। देने एसएल कंपनी 54% का प्रॉफिट हो रहा है, अगले 2 साल में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ आने का पॉसिबिलिटी है क्योंकि अच्छे लेवल पे आपने निवेश किया, तो चाहो तो रख सकते हो, मैनेजमेंट इसका टॉप क्लास है, बट मैं होता तो जल्द से जल्द प्रॉफिट बुक करके दूसरे कंपनी में एक जो जंप है वो करने की कोशिश करता, क्योंकि वैल्यूएशन जो 112 का है तो थोड़ा कंसोलिडेशन में भी हो सकता है। ठीक है, ये मेरे को लगता है, एंड ऐसा मैं क्यों करता, जो लोग बाप इन्वेस्टिंग करते बाय एट एनी प्राइसेस तो उनके लिए ये कंपनी सही होगा, एशियन पेंट, एस्ट्रल, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, ये सारी कंपनी उनके लिए सही होगा, बट जो लोग गार्प इन्वेस्टिंग फॉलो करते तो उनके लिए शायद सही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग व्यू होता है, हर एक स्टॉक में अलग हो ही सकता है। मेरा जो व्यू है मैंने आपको बताया, अपना जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, एसएल के बाद नेक्स्ट कंपनी बजाज फाइनेंस, 1.3 लाख इन्वेस्टमेंट, मेजॉरिटी खराब टाइम आई थिंक कंपनी के लिए जा चुका है तो रखा जा सकता है। देने BKT यानी कि बालकृष्ण इंडस्ट्री, सेक्टर में सबसे बढ़िया कंपनी अगर कोई होगा वो आई थिंक यही कंपनी है, तो कंपनी अच्छा है एंड अभी सेक्टर अच्छा करना चाहिए, ऑटो सेक्टर, तो तब जाके ये कंपनी अच्छा करेगा, सिक्लिकलिटी आपको थोड़ा बिजनेस में देखने को ज़रूर मिलेगा, तो रखा जा सकता है। देने बर्जर पेंट, मैं होता तो पैसा निकाल के दूसरे कंपनी में चला जाता क्योंकि ग्रोथ काफ़ी स्लो है, ऊपर से कंपटीशन आ गया काफ़ी बड़ा ग्रासिम का, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा इनको, एंड कर रहे ऑलरेडी 3 साल से।
द नेक्स्ट कंपनी इनके पास है कैंपस, तो कैंपस का स्टॉक ऑलरेडी बहुत गिर चुका है अपने टॉप से। आई थिंक कि रिकवरी धीरे धीरे आएगा, हालांकि मैनेजमेंट ने अभी तक कोई ग्रोथ गाइडेंस देना स्टार्ट नहीं किया है, तो वो अगर मिल जाता तो अच्छा रहता। मैं एज ऑफ नाउ कैंपस में इन्वेस्टेड हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट रेड टिप कंपनी में। देने कैम्प्स तो अच्छा कंपनी, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स अच्छे कर रहे तो होल्ड किया जा सकता है। CDSL अच्छा कंपनी, होल्ड करना चाहिए, एंड अगर गिरे काफ़ी ज़्यादा कभी तो बाय ऑन डिप किया जा सकता है। देने किमक्रक्स, अभी देखिए इसको होल्ड करना है या बेच देना है, वो कहने से पहले मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको पता है कि कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करता है एंड इनका प्रोडक्ट कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है? अगर कुछ नहीं पता है, जीरो नॉलेज है, तो आई थिंक रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी बहुत ही छोटा कंपनी है एंड 300 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मेरे लिए थोड़ा रिस्की ज़रूर होता है क्योंकि कॉन कॉल नहीं है, तो एट दी एंड डेटा काफ़ी कम है, पता नहीं कि कितना ग्रोथ आएगा फ्यूचर में। तो ऐसा ही एक वीडियो हमने बनाया था ऑल ई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, हालांकि ऐसे ही कंपनी था बट फिर भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था क्योंकि कंपनी का कॉन कॉल था एंड वहाँ पे मैनेजमेंट का गाइडेंस था। 25 का पी वाला कंपनी 20-25% का ग्रोथ गाइडेंस दे रहा था, मार्जिन एक्सपांशन का पॉसिबिलिटी था, तो वो रीज़न था डिस्कस करने के पीछे। तो आप देखिए कि इसको होल्ड करने के पीछे का रीज़न क्या है, अगर मिलता है तो रखिए, ना मिलता है तो दूसरे और भी काफ़ी सारे कंपनी है। क्लीन साइंस को इस टाइम में मैं जगह नहीं देता क्योंकि वैल्यूएशन स्टिल थोड़ा ऊपर लगता है मेरे को, तो मैं दूसरे कंपनी में शिफ्ट होने की कोशिश करता। दीपक नाइट्रेट अच्छा कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट है, होल्ड करने की कोशिश करता करेंटली। डिवीज लैब अच्छा कंपनी, अभी फार्मा सेक्टर धीरे धीरे करके अच्छा कर रहा है एंड कोविड वाला जो पीरियड है उस टाइम में फ़ायदा मिला था, देन उसके बाद नुकसान भी हुआ था, तो अभी आई थिंक फिर से अच्छा करना चाहिए कंपनी। एंड अभी तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने का पॉसिबिलिटी है, चाइना से बहुत सारे कंपनी शिफ्ट हो रहे हैं, तो डिवीज जैसे कंपनी को बेनिफिट मिलना चाहिए। आईशर मोटर कंपनी अच्छा, बट एट दी एंड सिक्लिकल सेक्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि कब एग्जिट करना है। नेक्स्ट कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक कंपनी, अच्छा होल्ड किया जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ मैं खुद इन्वेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि जो फिक्स एसेट है तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, यानी कि कुछ बहुत बड़ा कैपिक्स नहीं हुआ। देने हैप्पीस्ट माइंड 26,000 इन्वेस्टमेंट, तो ये कंपनी का मेजॉरिटी खराब टाइम जा चुका है, अभी तो 2025 में 30-35% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है, देखिए अचीव कर पाता है या नहीं, अगर नहीं कर पाता तो दूसरी और भी कंपनीज है। देने HDFC बैंक अच्छा कंपनी, लो रिस्क कंपनी, तो रखा जा सकता है। देने हिंदुस्तान फूड 20,000 का इन्वेस्टमेंट, अच्छा कंपनी हिंदुस्तान फूड एंड इसके लिए भी खराब टाइम जा चुका है आई थिंक मेजॉरिटी वाला, तो रखा जा सकता है। देने HPAL यानी कि HP Adhesives Limited, तो ये कंपनी भी साइज़ में बहुत ही छोटा है एंड 900 करोड़ से भी नीचे का मार्केट कैप है। ये कंपनी का कॉन कॉल अगर ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है कि फ्यूचर में कितना ग्रो करेगा, तो मेरे को वो यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी कमी है कंपनी में कि कितना ग्रोथ आएगा एंड कैसे इसको जज करें, क्योंकि यहाँ पे 43 का पी है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 20% 25% 30% ग्रोथ आएगा तो बेटर है, बट आंसर नहीं है कि कितना ग्रो करेगा, तो दूसरे कंपनी में शिफ्ट करने की कोशिश करता। इन्फोसिस 52,000 इन्वेस्टमेंट, 19% प्रॉफिट, देखिए अगर मेरा इन्वेस्टमेंट अभी इन्फोसिस में होता तो मैं एग्जिट कर लेता, प्रॉफिट बुक कर लेता, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम में एक लार्ज कैप कंपनी ने बहुत बड़ा रिटर्न बना करके दिया, एंड ऐसा नहीं कि बंपर टाइप कुछ नंबर पोस्ट करेगा, कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस देखेंगे वही 4-6% के आसपास आपको दिखेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, सिंगल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस है एट दी एंड। तो इस टाइम पे मैं होता तो प्रॉफिट बुक करके दूसरे कंपनी में एग्जिट करता, बट क्योंकि स्टॉक भाग रहा है तो ये लाइन कोई बता नहीं सकता आपको कि इन्फोसिस को बेच दो, क्योंकि स्टॉक तो भाग रहा है, राइट, सब लोगों को फ्लो के साथ जाना है। बट जो लोग इसका अपोजिट करते, लाइक जब स्टॉक गिरता है लोग पैनिक करते, एंड उस टाइम पे जो लोग खरीदते वो एक्चुअल गेनर होते। सिमिलरली इसका उल्टा भी, जो जब बुल मार्केट चलता है स्टॉक बहुत भाग जाता है, पी रेशियो बहुत एक्सपांड कर जाता है, लोग उस टाइम पे खरीदते हैं, तो तब जो लोग बेचते हैं प्रॉफिट बुक करते वही एक्चुअली गेनर बनते हैं। देने IRCTC अच्छा कंपनी है, गवर्नमेंट काफ़ी कैपेक्स कर रहा है तो होल्ड किया जा सकता है। जियो फाइनेंस के ऊपर क्या ही बात करें, तो इसका अभी तक कोई बिजनेस नहीं है, छोटा इन्वेस्टमेंट है, रखिए होल्ड करिए बेच दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देने KPI ग्रीन आई थिंक स्प्लिट के बाद कुछ एडजस्ट हुआ नहीं है, बट बिजनेस ग्रोइंग है तो रखा जा सकता है। देने KSOLVS, तो KSOLVS के ऊपर हमेशा मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि कंपनी का ये जो 2021 के बाद से सडनली 40% के ऊपर का मार्जिन आ रहा है, ये कब तक कंपनी मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले तो 12% 4% 6% ऐसा मार्जिन था, तो ये आंसर ढूंढना चाहिए KSOLVS कंपनी में, एंड कॉन कॉल अभी नहीं हो रहा है लास्ट 3-4 क्वार्टर से। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो है इनके पास वो है LTIMindtree, अच्छा कंपनी है, रखा जा सकता है। LTIMindtree को IT सेक्टर अच्छा कर रहा है, LTTS भी अच्छा कंपनी है तो जगह दिया जा सकता है। लक्ष्मी केमिकल का लास्ट कुछ टाइम के अंदर फिक्स एसेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, तो आई होप कि जैसे सेक्टर में रिकवरी स्टार्ट होगा तो ये कंपनी उसका काफ़ी फ़ायदा उठाएगा। इम्फैन तो डाइवर्सिफिकेशन है थोड़ा सा, तो होल्ड किया जा सकता है। मान्यवर को इस टाइम में मैं अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं देता क्योंकि प्राइस टू सेल्स कंपनी का 18 टाइम्स है, तो एक्सपेंसिव है फॉर मी।
नेक्स्ट कंपनी नौकरी, तो अभी क्योंकि आईटी सेक्टर अच्छा खड़ा है, आईटी स्टॉक्स का चार्ट अगर देखें तो ज़्यादा स्टॉक अच्छे खड़ा है, तो आई थिंक कि फिर से हायरिंग स्टार्ट होगा, तो इन्फोज का स्टॉक काफ़ी टाइम से अच्छा खड़ा है, हालांकि एक टाइम पे मेरे खुद के भी पोर्टफोलियो में हुआ करता था, देन या पे जब वैल्यूशन को समझने गया तो पता चला कि मेरे को तो आता ही नहीं कि इसको वैल्यू कैसे करें, क्योंकि जब जोमेटो पॉलिसी बाजार का IPO आया था तो पी रेशो बहुत गिर गया था, अभी फिर से वो चले गए हैं एंड अभी कंपनी का प्रॉफिट कभी आता है कभी लॉस आता है, तो फाइनेंशियल कंपनी का काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है। इन्फोएज में बेट करने का मतलब है कि आप इनके मैनेजमेंट के ऊपर इनके पास्ट के ऊपर बेट करो कि पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया, ओवरऑल कंपनी अच्छा है क्वालिटी वाइज। नेक्स्ट कंपनी प्रिंस पाइप, अच्छा कंपनी रखा जा सकता है, रिलैक्सो को मैं निकाल देता क्योंकि वैल्यूशन ज़्यादा है एंड ग्रोथ कम है, मुझे चाहिए रीजनेबल ग्रोथ रीजनेबल वैल्यूशन के अंदर, तो रिलैक्सो की जगह मैं दूसरे कंपनी को ऐड करने की कोशिश करता। रिलायंस कंपनी अच्छा है एंड अच्छा प्रॉफिट आपको हो रहा है 45% एंड इसके ऊपर और 45% रिटर्न कब बनेगा वो बताना काफ़ी मुश्किल है, रिलायंस हैवी वेट स्टॉक है, बहुत बड़ा कंपनी है, तो उसका हिलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो मैं ये कंपनी में बीच बीच में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता बट लॉन्ग टर्म में मैं नहीं रखता, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता। आडर केबल अच्छा कंपनी है, वैल्यूशन पास के मुकाबले काफ़ी गिर चुका है एंड ग्रोइंग कंपनी, पास में अच्छा ग्रोथ दिखा है तो रखा जा सकता है। देन SBI कार्ड, मैं पैसा निकाल के दूसरे कंपनी में चला जाता क्योंकि हाई वैल्यू स्टॉक्स के अंदर बजाज फाइनेंस ऑलरेडी है पोर्टफोलियो में जगह दिया है, तो किसी एक को ही रखने की कोशिश करेंगे, बाकी थोड़े सस्ते वाले स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल स्पेस में। सुमितोमो केमिकल अच्छा कंपनी है तो जगह दिया जा सकता है। टाटा मोटर्स कंपनी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है तो होल्ड करना चाहिए, बट हाँ यहाँ पे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि अध्ययन साइक्लिकल है, सेक्टर में साइकिल चलता है एंड अभी साइकिल अच्छा कर रहा है तो स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, अच्छे रिटर्न दे रहा है, बट कभी ना कभी रिवर्स जरूर करेगा तब प्रॉफिट बुक करना है वो दिमाग में होना चाहिए। टाटा पावर 9800 का इन्वेस्टमेंट है, अच्छा कंपनी है, होल्ड किया जा सकता है। TI इंडिया ट्यूब इन्वेस्टमेंट अच्छा कंपनी है, टाइटन अच्छा कंपनी है, ट्रेंड भी अच्छा कंपनी है, तो इनको रखा जा सकता है। देन है ट्राइडेंट, तो इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं धीरे धीरे करके, तो ट्राइडेंट कंपनी का स्टॉक बहुत टाइम से अच्छा नहीं कर पा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो आई होप कि अच्छा करेगा एंड टेक्सटाइल सेक्टर में जो रिकवरी है उसका फ़ायदा ये कंपनी उठाएगा, बट एट दिन उतना अच्छा करना स्टार्ट नहीं किया है कंपनी ने, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए एंड अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यानी यूनो मिंडा अच्छा कंपनी है, वीबिल अच्छा कंपनी है, याशो भी अच्छा कंपनी है, तो इन सभी को पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो रिव्यू का वीडियो एंड एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा, जिन पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कम होते हैं उनका वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाता है, बट ये वीडियो हमने काफ़ी जल्दी ही निपटा लिया क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उनके बारे में ऑलरेडी हमको पहले से पता है, कुछ कुछ कंपनी के वैल्यूशन ज़्यादा है, तो जिनके वैल्यूशन ज़्यादा है अभी आप याद रखना कि इनका जो PE रेशो है ज़्यादा है तो ठीक है, सब बुल मार्केट के टाइम पे बुलिश हो जाते, बट ये बुल मार्केट का PE रेशो है, जब बेयर मार्केट था तो उस टाइम पे कितना PE इनको मिला था वो जाके आप एक बार चेकआउट करिए, तो बेयर मार्केट में PE गिरने वाला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है कौन से कंपनी में कितना है वो आप चेकआउट करिए एंड देन आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास दो पोर्टफोलियो तो आप क्या काम कर सकते हो कि एक पोर्टफोलियो में सॉलिड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी को रखिए, लार्ज कैप में ज़्यादा लोकेशन आप दे सकते हो, ठीक है, तो वो पोर्टफोलियो आपको पता है कि वहाँ पे मेरा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे रिस्क काफ़ी कम है एंड पैसा बनता जाएगा, ठीक है, एंड दूसरे पोर्टफोलियो में क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा स्टडी करके अच्छे वाले लीडर वाले मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी में पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, तो दो पोर्टफोलियो को ऐसे ही यूटिलाइज कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो, बाकी दोनों में लार्ज कैप है, दोनों में सेम टाइप के स्टॉक है, हाई वैल्यू स्टॉक है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, थोड़ा फोकस टाइप का पोर्टफोलियो बनाना है तो दोनों को अलग अलग काम पे आप लगा सकते हो एंड म्यूचुअल फंड के बारे में भी सोचा जा सकता है, काफ़ी अंडर डेटेड है बट आप जाके देखिए म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दिया है अपने शेयर होल्डर को, तो रिस्क कम करना है थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो म्यूचुअल फंड भी अच्छे ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, बाकी आपके हिसाब से कौन से स्टॉक को रखना चाहिए, किनको निकाल देना चाहिए, आप इनको नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अब स्टॉक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, चाहो तो उसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड हमारा प्राइवेट लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम, जहाँ पे आपको कोई कॉल और टिप नहीं मिलेगा, मेरे जो खुद के ट्रेड्स होंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा फॉर लाइफ टाइम, प्लस आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे लर्निंग कंटेंट मिलेंगे जिसके थ्रू हर दिन आप एक बेटर इन्वेस्टर बनते चलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।